नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा देवी आद्या कात्यायनी देवी मंदिर का, जो कि स्थित है छतरपुर मंदिर दिल्ली में। और दोस्तों, यहां की तैयारियां नवरात्रों की शुरू हो चुकी हैं, वीडियो में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और आइए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं मंदिर में भवन में किन देवी देवताओं के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। मंदिर के ठीक सामने ही पार्किंग भी बनी हुई है और यहाँ पर आप अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर को भी पार्क कर सकते हैं। ये एरिया है पार्किंग वाला। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आने पर सबसे पहले यहाँ पर गणेश प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आइए यहाँ पर सामने देखते हैं इस बड़े से गेट में पीछे क्या हैगा। इस रथ पर नवरात्रों के अवसर पर देवी माता रानी की सवारी निकाली जाती है। नवरात्रों के उपलक्ष में यहां मंदिर पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यह मंदिर करीब 122 एकड़ में फैला हुआ है और इसको सजावट और आकर्षक बनाने के लिए कई तरह की यहां पर ऐसे झांकियां सी बना रखी हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर प्रतीत होती हैं और बच्चों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। सामने मुख्य द्वार है, आइए दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। छतरपुर मंदिर में दुर्गा माँ का छठा रूप की स्थापना की गई है, जो कि देवी आद्या कात्यायनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। छतरपुर मंदिर में यहां पर शिव जी और पार्वती देवी जी का भी मंदिर है, लक्ष्मी गणेश जी का भी मंदिर है और श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, देवी सीता माँ, लक्ष्मण जी का भी मंदिर है और उसके अलावा और भी कई बहुत सारे मंदिर हैं जिनको आप यहाँ पर दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं और अपने इष्ट प्रभु का, देवी माँ का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है, तैयारियां चल रही हैं भाई यहां पर। तो इस बरगद के पेड़ पर लोग अपनी मन्नत का धागा और चुन्नी को बांधते हैं। ये धर्मशाला का परिसर हैगा, जो कि मंदिर छतरपुर मंदिर ट्रस्ट वालों की तरफ से ही है। अगर आप बाहर से कहीं आए हैं और यहां पर रात को रुकना पड़ जाता है, तो यहां पर आप अपने लिए कमरा दे करके रात को ठहर सकते हैं। पार्किंग व्यवस्था भी है, वो आप वीडियो में सामने यहाँ देख ही पा रहे हैं। टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी आपका होगा, उसका अरेंजमेंट रुकने का रखने का हो जाता है। और ये जो सामने भवन दिखाई दे रहा है, इसी में बाबा संत नागपाल जी का समाधि स्थल भी बना हुआ है। उनकी बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी अंदर लगी हुई है। आज अंदर चल करके देखते हैं और उनका दर्शन करते हैं।
सामने दिख रहे घंटे का वजन 1000 किलो का हैगा। और ये जो आप सामने बड़ा सा दरवाज़ा देख रहे हो, ये एक यहाँ का बहुत ही बड़ा आकर्षण भी हैगा, जिस पर लगा हुआ है करीब 98 किलो का ताला, जो कि अलीगढ़ से मंगवाया गया था। और इस ताले की चाबी का वज़न है 5 किलो का। इसमें पहले एक अंदर रथ खड़ा हुआ रहता था, जिस पर देवी माँ की शोभा यात्रा निकाली जाती थी नवरात्रों के अवसर पर। अब यहाँ से उस रथ को हटा दिया गया है और उसको सड़क के दूसरी ओर जो भवन बना हुआ है उसमें रखा गया है सभी को देखने के लिए। आ जाओ चलो और नज़दीक से देखते हैं त्रिशूल और कछुए को। कछुआ देखो यार कितना बड़ा है, और नज़दीक चलते हैं, आपको इसका आकार दिखाई देगा कि कितना बड़ा कछुआ यहाँ पर कॉपर कलर में बनाया हुआ है। और कछुए की पीठ पर जो त्रिशूल लगा हुआ है उस पर खूब बड़ा डमरू लगा हुआ है, और कई आकार प्रकार के सांप भी उसको लपेटे हुए हैं, त्रिशूल को लपेटे हुए हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन की कहानी को बताया जाता है, कुछ इसी प्रकार से इस कलाकृति को यहाँ पर बना करके स्थापित किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही आपको आकर्षित करेगी। जैसे ही शारदीय नवरात्रे शुरू होंगे तो यहाँ सामने मार्कंडेय भवन से होते हुए इन लाइन में से अंदर आना होगा, और सड़क भक्तों को श्रद्धालुजनों को पार ना करनी पड़े, इस रास्ते से होते हुए यहाँ सामने अंडरग्राउंड से मंदिर के दूसरी तरफ निकल जाएंगे और वहाँ देवी माँ के दर्शन होंगे। जय माता दी। मंदिर में कुछ इस तरह के छोटे बड़े पार्क भी बने हुए हैं। और आइए अब चलते हैं, बहुत बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की यहाँ पर लगी हुई है, उनके दर्शन करते हैं और आपको उनके बारे में जो भी मुझे जानकारी मिलती है वो बताता हूँ। दोस्तों, ये जो आप हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हो, इसकी ऊंचाई 101 फुट की है, और जिन सीढ़ियों पर चढ़कर अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, इन सीढ़ियों की ऊंचाई भी करीब 21 फुट की है। तो 101 जमा 21 फुट टोटल 122 फुट हाइट हो जाती है इस हनुमान प्रतिमा की।
हनुमान जी यहाँ पर है। मंदिर काफ़ी विशाल है, फिर भी इसको घूमने के लिए आपके पास कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय तो होना ही चाहिए, ताकि आप यहाँ पर अच्छे तरह से घूम सकें और सभी मंदिरों में अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन कर सकें। और नवरात्रों में तो भीड़ को देखते हुए इससे भी ज़्यादा समय लगने वाला है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।